राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य, प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य हनुमान सिंह बोहेड़ा ने हनुमान मंदिर से सीता माता हनुमान जी की भागी बाबड़ी तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की खुशहाली और उन्नति की कामना की। बोहेड़ा से हनुमान सिंह द्वारा 30 किलोमीटर पदयात्रा रैली का शुभारंभ हुआ। कई गांव, कस्बे, ठाड़ियों से होते हुए सीता माता अभयारण्य पहुंचने का संकल्प लिया और इस पदयात्रा रैली कार्यक्रम में हजारों संख्या में क्षेत्रवासियों की भीड़ उमड़ी। क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही युवा साथियों ने मिलकर 107 स्थानों पर हनुमान सिंह बोहेड़ा का पुष्पमाला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। क्षेत्रवासियों के लिए हनुमान सिंह बोहेड़ा ने सावन माह की पूजा अर्चना यज्ञ का कार्यक्रम रखा और हजारों लोगों ने भोजन प्रसाद का लाभ लिया। नमस्कार सर, जो ये पदयात्रा निकलेगी उसके बारे में क्या बताना चाहिए? नहीं, सावन माह है, सीता माता इस क्षेत्र के सीता माता वन अभयारण्य है, वो एक बहुत ही लोगों की आस्था का केंद्र है, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पुराना स्थान है। ऐसी मान्यता है कि माँ सीता ने अपना लवकुश का काल जो था वो इसी वन में रहकर बिताया था, वाल्मीकि आश्रम माना जाता है। तो एक भावना थी कि अपन भी, कई दिनों से मन में विचार था कि कभी हम भी जाएंगे वहाँ का। अभी एक सभी महानुभावों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि भाई सावन माह है, मंगलवार का दिन है और वहाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, तो निकल पड़े भावना के साथ और लोगों की और क्षेत्र की अच्छी फसल के लिए, अच्छी बारिश के लिए मनोकामना लेके। इसी बहाने आपने भी देखा पूरा ये क्षेत्र, इसको अपने एक लोकल लैंग्वेज में मगरा क्षेत्र कहते हैं अपन, लेकिन क्या एक हज़ारों लोगों से मुलाकात हुई। तो ये अपने आप में हज़ारों लोगों के दर्शन हुए, माता बहनाओं के दर्शन हुए, लोगों की सुख दुख की कोई बात हुई, हमें भी जानकारी मिली कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसी भावना के साथ जी सर, राजनीति में है तो लोगों से मिलना जुलना तो आपका